एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एसडी कैंपस सैनिक एंड जेएनवी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ माइंड एक्सरसाइज सीरीज का एपिसोड नंबर 7। तो जो लोग यहाँ पे न्यू है उनको बता दूं, मेरा नाम है आर्या चौहान और टेंशन मतलब मैं आपको यहाँ कुछ भी पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं कराने वाली हूँ आपको दिमाग की कसरत, वो भी थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी पढ़ाई के साथ, ठीक है। तो आज इस एपिसोड नंबर 7 का टॉपिक है रीजनिंग्स के एमसीक्यूज। आपको थोड़ी बहुत पहेली बुझानी है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है। मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, राम हैज 5 एप्पल्स, ही गिव्स 2 एप्पल्स टू श्याम एंड 1 एप्पल टू मोहन, हाउ मेनी एप्पल डज राम हैव। तो राम के पास है 5 एप्पल, ठीक है, वो 2 एप्पल देता है श्याम को और 1 एप्पल देता है मोहन को। तो बच्चों क्वेश्चन में ये बोला गया है कि देखो राम के पास है 5 एप्पल, ठीक है, तो वो 2 एप्पल देता है श्याम को और 1 एप्पल देता है मोहन को। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो अभी आपको ये बताना है कि राम के पास 5 में से अब कितने एप्पल बचे हैं। समझ आ गया क्वेश्चन? तो आंसर जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। In a race, Ravi finishes after Reena, but before Raj. So who finishes first? तो बताओ बच्चों, रेस किसने जीती? रवि ने रेस फिनिश की है रीना के बाद, लेकिन राज से पहले, ठीक है। तो अब 4 ऑप्शन है हमारे पास कि जीता कौन है, रवि, रीना, राज या फिर कोई भी नहीं। इसका आंसर भी आपको खुद ही बताना है, ठीक है। So third question, if you rearrange the letters of the word listen, so you can make the name of which of the following, A, B, C or D। Option आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर आप listen word को rearrange करेंगे तो इसमें से आप कौन सा word बना पाएंगे। तो चलो fourth question की तरफ बढ़ते हैं। In a family there are 5 sisters and each sister has 1 brother, how many brothers are there in the family। एक family में 5 सिस्टर है और सबका एक भाई है, तो अब आप बताओ कितने भाई हुए इस परिवार में। ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 5, ठीक है। इसका आंसर समझो, सोचो और कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। सो आवर फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, इफ 5 कैट्स कैन कैच 5 माइस इन 5 मिनट्स, हाउ मेनी कैट्स आर नीडेड टू कैच 100 माइस इन 100 मिनट्स। 5 बिल्ली जो है उनको 5 माइस कैच करने में, मतलब पकड़ने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो कितनी बिल्लियां और लगेंगी 100 माइस को 100 मिनट में कैच करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है, आपको इसका खुद ही आंसर लिखना है। बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर भी आपको खुद ही लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस पे एक लाइक कमेंट एंड शेयर तो बनता ही है ना। और मुझे सजेस्ट करो कि मैं आगे कौन सा टॉपिक लेके आऊँ, हिंदी का, मैथ्स का, रीजनिंग का या ब्लड रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए आपको, मुझे सजेस्ट करो बच्चों, नेक्स्ट टाइम मैं वही लेके आऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।